श्रावण के महीने में शंकर जी के झांकियां सजती थी, मट्टी का शिवलिंग बनता था, उसका श्रृंगार होता था। कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी कहीं झूला लगा देते थे, कभी कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी फूलों का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का श्रृंगार करते थे। और बच्चे थे अपन, सब छोटे थे, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर जी के मंदिर में श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। पर आज हमारे मन में एक प्रश्न जागता है कि हमारे माता पिता श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर दर्शन कराने क्यों ले जाते थे? क्यों? क्योंकि श्रावण के संवाद को स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति 12 शिवलिंग का अपने ही गांव, अपने ही नगर, अपने ही क्षेत्र के 12 शंकर मंदिर का दर्शन प्रतिदिन करता है, शिव उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गौरा महारानी और गणेश जी को लेकर सम्मुख में खड़ा मिलता है। ये श्रावण की कथा स्वयं स्कंद पुराण वर्णन करती है। श्रावण का पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर, अगर हम बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस, और श्रावण का महीना है, दिल से बाबा को दीजिए। शमी की जो पत्ती होती है एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो, जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई, और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाए। एक शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में, तांबे के लोटे में लेकर, हाथ को ऊंचा कर नेत्र नासिका वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है। जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया, एक स्वाद चावल के दाने में शिव जी को चढ़ाना, एक स्वाद अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्त। कितने फूल होना चाहिए? 7-7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ा दीजिए। एक एक फूल को जब चढ़ाओ तो जिस व्यक्ति से धन लेना उसका नाम और गोत्र बोलते जाना और उसको कहते जाना मेरा इतना धन है बाबा आपको दिलाना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 3 महीने के